हेलो फ्रेंड्स, मैं भूषण गायकवाड़ आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो हमें पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, दैट इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमेट, दैट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। तो बेसिकली जहाँ पे मेल और फीमेल गमेट का फ्यूजन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, उसी को हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गमेट्स, तो गमेट्स का फॉर्मेशन होना और गमेट्स का फ्यूजन होना, उन्हीं को हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फर्टिलाइजेशन। इसी प्रोसेस को एम्फीमिक्सिस बोला जाता है। एम्फीमिक्सिस का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ बोथ द गमेट्स। अब क्योंकि यहाँ पे गमेट्स का फॉर्मेशन इंक्लूडेड है, मतलब यहाँ पे मियोसिस जो है वो इन्वॉल्व है, विदाउट मियोसिस ये प्रोसेस जो है वो नहीं होने वाली। और यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कैसे कैरी आउट होता है, तो एनिमल के बॉडी में दो फेजेस होते हैं जिसके थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है आगे कैरी फॉरवर्ड होता है। तो वो कौन से दो फेजेस है, दैट इज जुवेनाइल फेज एंड रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी फेज। जुवेनाइल फेज में हम क्या देखते हैं कि एनिमल की बॉडी जो है वो कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए सिर्फ ग्रो होती है, फिजिकल ग्रोथ वो शो करती है। इस फेज में वो कोई भी रिप्रोडक्शन शो नहीं करती, उसी को हम बोलते हैं जुवेनाइल फेज। The body of an animal only shows the growth in this period and do not show any reproductive behavior. Animal की body सिर्फ और सिर्फ growth show करेगी, कोई भी reproductive behavior यहाँ पे show नहीं होगा, reproductive characteristic develop नहीं होंगे, reproduction ये नहीं कर पाएगा इस phase में, इसको हम बोलते हैं juvenile phase। Simple भाषा में समझो तो juvenile phase का मतलब होता है growth period। जैसे humans के case में ये juvenile phase from 0 year to 14 year तक last करता है, 14 साल तक, जिसको हम बोलते हैं जुवेनाइल फेज, जहाँ पे बॉडी की सिर्फ फिजिकल ग्रोथ होती है और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ नहीं होती। दूसरा बोलते हैं रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी फेज। ये जो फेज है ये दूसरा फेज होता है जिसमें एनिमल की बॉडी ग्रोथ कंप्लीट हो चुकी है। जुवेनाइल फेज के बाद ये फेज चालू होता है, इसमें एनिमल की ग्रोथ पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है, अब उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ग्रोथ होती है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ एन एनिमल स्टार्ट ग्रोइंग इन दिस फेज, ठीक है। तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मैच्योरिटी आती है और रिप्रोडक्शन के कैपेबिलिटी बढ़ती है, ऑर्गेनिज्म जो है इट इज नाउ द कैपेबल फॉर द रिप्रोडक्शन, ठीक है। सो रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन फेजेस में यहाँ पे डिवाइड किया जाता है, दैट इज पहला प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी इसमें गमेटोजेनेसिस होता है, गमेट फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन जिसमें हम बोलते हैं फ्यूजन ऑफ गमेट्स होता है, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, ठीक है। और ये दोनों जो फेजेस है, जुवेनाइल फेज और रिप्रोडक्टिव फेज, ये अलग अलग एनिमल में अलग अलग ड्यूरेशन तक जो है वो लास्ट कर सकते हैं। जैसे ह्यूमन में 14 साल का होता है जुवेनाइल फेज, और 14 के बाद होता है दैट इज रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी फेज। ये भी सर्टन ईयर तक, सर्टन टाइम पीरियड तक चलता है, लास्ट करता है, फिर उसके बाद ये मैच्योरिटी फेज भी खत्म हो जाता है। तो बेसिकली एवरी एनिमल बॉडी हैज अ डिफरेंट ड्यूरेशन फॉर दीज टू फेजेस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। तो ह्यूमंस का ये जो रिप्रोडक्शन है, हम देखते हैं ह्यूमंस आर मोस्टली ऑलवेज रिप्रोड्यूस बाय असेक्सुअल मेथड, मतलब ह्यूमंस में सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एनी अदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स में हम देखते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म ये होते हैं, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व करता है डिफरेंट इवेंट्स, अलग अलग इवेंट्स के प्रोसेसेस के थ्रू ये पूरा रिप्रोडक्शन पॉसिबल होता है। तो सबसे पहला इवेंट क्या होता है इसमें, गमेटोजेनेसिस, गमेट फॉर्मेशन, गमेट्स का फॉर्मेशन, दैट इज बाय मियोसिस, द मेल गमेट एंड फीमेल गमेट्स का फॉर्मेशन। दूसरा इंसेमाइनेशन, अब जो मेल गमेट बनता है वो मेल गमेट फीमेल बॉडी के अंदर एंट्री लेता है, द एंट्री ऑफ मेल गमेट इन टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसी को हम बोलते हैं इंसेमाइनेशन, दैट इज द एंट्री ऑफ मेल गमेट इन टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। तो मेल गमेट का एंट्री होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उसको बोला जाता है इंसेमाइनेशन। नेक्स्ट इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बॉडी के अंदर मेल और फीमेल गमेट जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में फर्टिलाइजेशन शो करते हैं, यानी फ्यूजन शो करते हैं, जाइगोट फॉर्मेशन करते हैं। तो ये नेक्स्ट है जाइगोट फॉर्मेशन। उसके बाद एम्ब्रियोजेनेसिस, जहाँ पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो जो है आगे नए फीटस में, नए ऑर्गेनिज्म, न्यू इंडिविजुअल ह्यूमन बींग में डेवलप होता है। लास्ट में जेस्टेशन, जो डेवलपमेंट पीरियड होता है एम्ब्रियो का आगे, उसी को जेस्टेशन बोलते हैं, जिसको हम प्रेगनेंसी पीरियड भी बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, प्रेगनेंसी पीरियड को ही जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, जो कि 9 मंथ्स का होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्चुरेशन, पार्चुरेशन का मतलब होता है डिलीवरी, जब न्यूबॉर्न चाइल्ड की डिलीवरी होती है उस प्रोसेस को पार्चुरेशन बोला जाता है।
फाइनली बात करते हैं गमेट्स की, तो गमेट्स मेल और फीमेल दोनों में ही प्रोड्यूस होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ गमेटोजेनेसिस। और ये गमेट्स जो है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से प्रोड्यूस होते हैं। मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस होता है और फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी होता है। तो बेसिकली जो सेक्स ऑर्गन होते हैं मेल के और फीमेल के, वो दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो मेल का जो टेस्टिस है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, बाकी जितने भी सेक्स ऑर्गन है वो सेकेंडरी है। फीमेल में ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और बाकी के जितने भी सेक्स ऑर्गन है वो सेकेंडरी है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम होता है टू प्रोड्यूस द गमेट्स। तो यहाँ पे मेल में फीमेल में जो गमेट बनते हैं स्पर्म एंड ओवम, वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में बनते हैं। जैसे मेल में टेस्टिस में मेल गमेट बनेगा और फीमेल में ओवरी में फीमेल गमेट बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेल और फीमेल्स को डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है अलग अलग एक दूसरे से, हम उनको जान सकते हैं बाय द एक्सटर्नल बॉडी फीचर। मतलब एक्सटर्नल बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक से ही हम पता लगा सकते हैं कि कौन मेल है कौन फीमेल है। सो वी कैन डिफ्रेंशिएट द मेल एंड फीमेल बाय द एक्सटर्नल बॉडी फीचर कॉल्ड एज सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो 14 साल की उम्र तक कोई भी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप नहीं होता, तो मेल एंड फीमेल जो है वो सिमिलर शो होते हैं, सिमिलर दिखते हैं। बट आफ्टर 14 ईयर सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है मेल में भी और फीमेल में भी। तो वहाँ से डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है, फीमेल की बॉडी का जो डिफ्रेंशिएशन है वो अलग दिखता है कंपोजिशन, और मेल बॉडी जो है वो अलग दिखाई देती है। तो एक्सटर्नल फीचर से हम दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जिसी को हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर विच इज डेवलपिंग आफ्टर अ जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज के बाद ये डेवलप होते हैं सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर। तो मेल में क्या क्या सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर होते हैं? बियर्ड, मुश्टेक, ये जो बियर्ड और मुश्टेक आता है दैट इज डेवलपमेंट ऑफ फेशियल हेयर। फेशियल हेयर मेल्स में दिखता है फीमेल्स में नहीं, तो 14 साल के बाद अगर फेशियल हेयर आने लगे है तो हम बता सकते कि वो पर्सन जो है वो मेल है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो कुछ फीमेल्स में भी ये कंडीशन होती है, बहुत कम, रेयर, और ये हार्मोनल होता है, उसके भी बारे में हम आगे जो चैप्टर में डिस्कस करेंगे अगले वीडियोज लेक्चर्स में। तो बियर्ड, मुश्टेक, हेयर ऑन द चेस्ट एंड बॉडी, मस्कुलर बॉडी, एडम्स एप्पल। तो बेसिकली फेशियल हेयर्स होना, बॉडी पे हेयर होना, चेस्ट पे हेयर होना, मस्कुलर बॉडी होना, मेल की बॉडी ज़्यादा मस्कुलर होती है देन द फीमेल, एडम्स एप्पल होना यानी लैरिंग्स जो है वो एनलार्ज हो जाता है इन केस ऑफ मेल। तो ये कैरेक्टरिस्टिक हमें दिखते हैं सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर मेल में। तो मेल के बॉडी में क्या, दैट इज मुश्टेक डेवलपमेंट, बियर्ड डेवलपमेंट, चेस्ट पे हेयर, हेयर ऑन द चेस्ट एंड द हेयर ऑन द बॉडी, ठीक है, एनलार्जमेंट ऑफ लैरिंग्स दैट इज एडम्स एप्पल, मस्कुलर बॉडी एंड लो पिच ऑफ वॉइस। वॉइस का पिच जो होता है, हमारे आवाज़ का पिच जो होता है वो लो होता है, दैट्स वाई हमारी आवाज़ बहुत भारी भरकम आती है इन केस ऑफ मेल्स, ठीक है। वहीं पे फीमेल्स के सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर जो है वो क्या होते हैं, तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट। तो जो मेमरी ग्लैंड होते हैं या मिल्क प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स होते हैं इन केस ऑफ फीमेल, वो एनलार्ज होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट। नेक्स्ट ब्रॉडर पेल्विस, पेल्विस यानी जो हिप एरिया होता है, हिप एरिया ऑफ अ वुमन और ऑफ अ फीमेल, इट एनलार्जेस। तो हिप एरिया का भी जो है ब्रॉडनिंग होता है इन केस ऑफ फीमेल बट नॉट इन केस ऑफ मेल। तो दैट आर द सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर ऑफ फीमेल, दैट इज एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, एनलार्जमेंट और ब्रॉडर पेल्विस एंड हाई पिच ऑफ वॉइस। वॉइस का जो पिच होता है उनका हाई होता है, जिसकी वजह से उनकी आवाज़ पतली और सुरीली आती है। तो दैट इज़ हाउ फीमेल के बॉडी में सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर होते हैं एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ब्रॉडर पेल्विस एंड हाई पिच ऑफ वॉइस। वहीं पे मेल के बॉडी में सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स होते हैं बियर्ड, मुश्टेक, हेयर ऑन द चेस्ट एंड बॉडी, मसल डेवलपमेंट, मसल मस्कुलर बॉडी, और साथ ही में एडम्स एप्पल एंड लो पिच ऑफ वॉइस। तो ये था हमारा ओवरऑल जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे और ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे। अब जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से, तो उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, देन वन बाय वन दिस इवेंट्स के थ्रू हम जाएंगे, एक एक इवेंट्स को हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको इस चैप्टर में डिस्कस करनी है। आई होप मेरा ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक ठोक दो, ठीक है। साथ ही में वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।